बड़ौदा में एक जॉब का इंटरव्यू देकर मैं अहमदाबाद यानी कि अपने घर जा ही रहा था कि अचानक पापा का फोन आया। दादी सीरियस थी, वैसे तो उन्हें कई महीने से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर अब डॉक्टर्स का कहना था कि वो कुछ ही पल जिंदा रहेगी और ऐसे में उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो बहती नदी का साफ पानी पिए। दरिया दरिया बहता चला बहता चला किनारे के पास, ना है उम्मीद ना कुछ पता, लेके चला बस मिलने की आस। सारे ख्वाबों को छोड़ के सारी मंजिल भूल के बस पल दो पल मिलने चला। दरिया दरिया बहता चला बहता चला किनारे के पास। कम ऑन यार, 4 साल हो गए इस बात को। हाँ। और अभी तो दादी ने नया जन्म भी ले लिया होगा, खूब पानी वेस्ट कर रही होगी। तुझे अगर मजाक ही करना हो ना तो रहने दे। सॉरी सॉरी बैड सॉरी। क्या मतलब? सॉरी सॉरी सॉरी। मैनेज वाटर, वाटर मैनेजमेंट करेगा तू। देख, इन दिस कमिंग डिकेड ओनली 50% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिमेन, ठीक है? पर यहाँ पड़ी किसको है? जिसे देखो या तो वो कंगना रनावत की बात करेगा या तो वो नया आईफोन एक्स आया ना ब्रो, मस्त मोबाइल। तू देख सीरियसली बता, तू मस्त स्पेसिफिकेशन है। अबे छोड़ना तेरे आईफोन के स्पेसिफिकेशन को। अबे भाई देख, अगर तेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो बता, नहीं मतलब हम करें क्या, गिव अप कर दे। अबे गिव अप करने को कौन कह रहा है? तो देख सिंपल लॉजिक है, जितना डैम चौड़ा होगा उतनी नदी सुखड़ेगी, और वैसे भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो नदी और नालों में डंप होता है। वैसे हाँ, बहते हुए पानी के अंदर भी वो डाइल्यूट हो सकता है, पर सोच अगर उस पानी को रोक दो तो गई ना भैंस पानी में। तो अकॉर्डिंग टू यू डैम्स आर द कल्प्रिट? यस, रुके हुए पानी में टॉक्सिन का लेवल कितना बढ़ जाता है, और तो और ग्रीन हाउस गैसेस। और तू एनवायरमेंटल बात साइड में रख, अगर बात डैम की निकालोगे तो मामला पॉलिटिकल नहीं हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि तेरे को ना यार ये बहती नदी के साफ पानी में ना डुबकी मत मार यार। There are two sides of every story. Like, डैम से अगर नुकसान हो रहे हैं तो फायदे भी तो बहुत हैं। पीने के पानी से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, ये सब डैम की वजह से ही हो रहा है। और हाँ, ये विसर्जन वगैरह से भी तो पानी गंदा होता है। अबे कितना गंदा होता है? नहीं, क्या ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल वेस्ट से ज्यादा बड़ी है? तू खुद सोच, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो डंपिंग होता है उससे बड़ी तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। तुझे पता क्या करना चाहिए? गूगल बाबा के दरबार पर जा और टाइप कर कि इम्पैक्ट ऑफ डैम ऑन रिवर्स, तब पता लगेगा असली प्रॉब्लम क्या है। हे एक्टिविस्ट, तू फिर शुरू हो गया। एक भाई तू ये बता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब नदी के आसपास पेड़ लगाने से सब ठीक हो जाएगा? मे भी, क्योंकि पेड़ से तो पेड़ ही है। सारे कॉपीराइटर, बात बात पे स्लोगन मानना है तुझे? अगर सीरियसली देख, मेरे को पेड़ लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? पर वो सॉल्यूशन भी तो नहीं है यार। लेट्स अग्री टू डिसएग्री। प्रभु स्लोगन है, खाली खोटी कॉपीराइटर को बदनाम कर रखा है तूने। आज करा ले इतनी बड़ी। पर हाँ, तूने बोला था कि तेरी दादी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मतलब वो बहती हुई नदी का साफ पानी पीना चाहती थी, पर दादी तो गुजर गई, तो उनकी लास्ट विश का क्या हुआ? कैसा ये नाता है समझे नहीं, पूछो जब इसको तो सुनता नहीं। जानते हो दादी की लास्ट विश क्या थी? आने वाली पीढ़ी को बहती नदी का साफ पानी मिले। Thank you.
एक नदी की तलाश में कई सागर निचोड़ लिए, एक बूंद की आरजू में कई आसमान पिघला दिए। मेरी तलाश अब भी जारी है, एक लास्ट विश अब भी बाकी है। बहता चला किनारे के पास।